मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज देख रहे हो एल्जेब्रा का वीडियो नंबर 7 और बेसिक्स सीरीज का ये वीडियो नंबर 21 है। हमने इसके पहले एल्जेब्रा के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। आप आगे वाले सारे वीडियोज़ को देख कर इस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी या फॉर्मूलाज। हमने पिछले वीडियो में मेनली 5 फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था, a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस एक्स, a प्लस वाई एंड लास्ट a माइनस बी, a प्लस बी। हमने पांचों फार्मूला का सॉल्यूशन भी लिखा था और कौन से केस में, कौन से क्वेश्चन में कब कौन सा फार्मूला लगाना है उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि इन्हीं 5 फार्मूले का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि बड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर या किसी भी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को हम बहुत ही फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, 91 का स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग ए प्लस बी का स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं 91 को ए प्लस बी के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मुझे प्लस कराना है, मुझे 91 को मुझे प्लस के फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 91 है तो मैं इसको 90 प्लस 1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो a है वो 90 बन जाएगा और b है वो 1 बन जाएगा। मुझे मालूम है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू 90 है प्लस b की वैल्यू 1 है, इसीलिए स्क्वायर, a की वैल्यू 90 थी तो 90 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2 है तो मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे a था, a की वैल्यू मेरे पास 90 थी, b है तो b की वैल्यू मेरे पास 1 थी, प्लस b की वैल्यू 1 है इसलिए ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 90 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 91 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर 9 9 81, 20 प्लस 2 9 18 0 8 180 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 180 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 91 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको इन तीनों का प्लस कर देना है, 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 8 8, 1 प्लस 1 2 और ये 8। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। सेम टू सेम हम 29 का स्क्वायर निकालेंगे। 29 का स्क्वायर, वैसे भी ये 29 है वो 30 के बहुत करीब है, तो मैं इसको माइनस के फॉर्म में लिख रहा हूँ। 30 माइनस स्क्वायर, 30 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं माइनस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। यहाँ पे a मेरा हो जाएगा 30 और b हो जाएगा 1। मैं यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चाहे माइनस हो या प्लस हो, b के आगे तो हमेशा प्लस की साइन ही आती है, वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे a कितना था, 30 था, माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 30 थी, 30 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 30 थी, b की वैल्यू 1 थी, प्लस a मेरा 1, b की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 जा 9 डबल 0 माइनस 3 2 जा 6
60 प्लस 1, पहले हम 900 प्लस 1 कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा उसमें से हम 60 को माइनस कर लेते हैं। माइनस करते वक्त हमेशा आपको केयरफुल रहना चाहिए। 1 10 8 4 8 8 4 1 = 29 square। ये हमारा आंसर हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन करेंगे, 12 into 8 by a minus b a plus b। यहाँ पे 12 into 8 है तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, 10 plus 2, और 8 को मैं 10 minus 2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, तो ये यहाँ पे ए हो जाएगा 10 और बी हो जाएगा 2, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा ए क्या था 10 का स्क्वायर माइनस बी क्या था 2 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 100 में से 4 निकालो तो आपको 96 आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बड़े से बड़े, मैंने तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, मगर ऐसे कई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं जिनको आप इस तरीके से फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज करके आप आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आप उनके तुरंत आंसर ला सकते हो। क्लास 8 के एलजेब्रा के अंदर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। एक टॉपिक ऐसा है जो आपको थोड़ा डिफिकल्टी आती है सॉल्व करने में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिंप्लीफिकेशन विद डिवीज़न कवर करने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून विद अस, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए। थैंक यू सो मच।